हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो में बताया था कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के सुप्रीम कोर्ट का जो 13 दिसंबर को जो हियरिंग होने वाली थी, हियरिंग नहीं होगी। उसके बाद में हियरिंग होने का ना होने का रीज़न भी बताया था मैंने, क्योंकि जो ऑनरेबल जजेस मिस्टर बोबडे थे वो ऑन लीव चल रहे हैं, उसके चलते ये हियरिंग नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं कि हियरिंग कब होगी, ये भी मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। प्रीवियस स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछ रहे हैं। इसके अलावा और एक बिग अपडेट है, पहले मैं प्रीवियस वीडियोज़ पर कुछ बात कर लेता हूँ, जिससे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, उनको पता चल जाए कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कब होगी। अगर 14 और 15 तारीख को, 15 दिसंबर को हियरिंग नहीं होती है, तो आप ये समझिए इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा जनवरी तक। जनवरी के बाद ही आपके जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही उसमें सुनवाई हो पाएगी आपकी जनवरी में। इसके बाद में बड़ा अपडेट क्या आया है, बड़ा अपडेट यह आया है कि जो फोर्थ पार्ट, इसमें अभी तक मैं बता चुका हूँ, मैं पहले लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसमें 5 पार्टियां इन्वॉल्व हो चुकी है। देन अभी एक और नई पार्टी इन्वॉल्व हुई है जो 6 पार्टी के रूप में देखी जा रही है, जिसको 6, अब टोटल मिला के इसमें 6 पार्टी इंक्लूड हो चुकी हैं। और जो 6 पार्टी है, किसी लेडी पल्लवी प्रताप ने इसमें आपको पल्लवी प्रताप के द्वारा इसमें इंक्लूड की गई है, जो कि फोर्थ या फिफ्थ पार्टी भी थी, जिसमें उन्होंने ही इसमें फिर से हियरिंग के लिए अपने 6 पार्टी के रूप में इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। अब टोटल इसमें मैं बता दूँ 6 पार्टी हो चुकी हैं। अब देखते हैं केस क्या होगा, मे बी अब जो भी होगा एक दो दिन में ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 13 तारीख को हियरिंग नहीं होगी, जो कि नहीं हुई क्योंकि रीज़न भी मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये बात आती है कि अब स्टूडेंट्स क्या करें। एक रीज़न और है, मैं बता दूंगा आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता हो जो अब जनवरी में हियरिंग होने होगी आगे, उससे पहले ही अगर एसएससी अपना खुद से अगर कैंसिल कर देता है सीजीएल 17 और सीएचएसएल 17, जो भी है टीयर 1 या टीयर 2, जो भी कैंसिल कर देता है, हो सकता हो ये केस उससे पहले भी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर एसएससी खुद सेल्फ रिलाइजेशन करके केस को एंड कर देती है, केस को यानी कि कैंसिल कर देती है एग्जाम सारे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हो सकता हो ऐसा भी हो जाए कि एसएससी कैंसिल सोच रहा है कि जो आपका केस है वो जो आपका एग्जाम है सीजीएल 2017 और सीएचएसएल 2017, खुद ही कैंसिल कर दे। खुद ही कैंसिल कर देता है तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटेड केस खत्म हो जाएंगे और इसके बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा वो अपना उसमें वर्डिक्ट देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और जो भी अपडेट आते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जो इस जो आप देख पाते हैं यहाँ सब्सक्राइब करने का होता है, और साथ ही साथ ये बेल आइकन होती है, इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।